सो इंस्टाग्राम अकाउंट बना के कैसे लाखों कमाए। यस गाइस, तो ये है आज हम लोग का टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, हाउ टू अर्न मिलियंस फ्रॉम इंस्टाग्राम। एंड आप कह सकते हो कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के कैसे लाखों और करोड़ों कमाए। इवन लोग तो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन हम अगर करोड़ों की बात करेंगे तो यहाँ लोगों को बहुत सारी चीजें हजम नहीं होंगी। तो इसलिए हाउ टू मेक मिलियन फ्रॉम इंस्टाग्राम गाइस, 30 डे का चैलेंज, 30 डेज में आप कैसे अपने पूरे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। मैं आज बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो गाइस, माय नेम इज टियन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप से लेके पूरे स्टेप्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो भी होने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अगर आप एक भी मिस करते हो तो जो आपका ये 30 डे का चैलेंज है उसमें आपका बिजनेस जो है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं ऑन द बोर्ड। तो गाइज, इंस्टाग्राम से अर्निंग करनी है तो सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड स्टेप वन, जो चीज है गाइज, उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा सा नाम सोचना है अपने इंस्टाग्राम के लिए सबसे पहले। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए एक बहुत अच्छा सा नाम सोचना है जो आपके बिजनेस को सूट करे, चाहे आपका जो भी क्या बोलते हैं बिजनेस हो, ब्रांड हो, नीश हो, जो भी हो, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा यूनिक सा नाम आपको चॉइस करना है, जो बोलने में भी अच्छा लगे और वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी कर सके। ठीक है, तो ऐसा आपको एक नेम सबसे पहले सोचना है। द सेकेंड चीज जो है, आपको अपनी अकाउंट क्रिएट करना है इन बिजनेस अकाउंट में। ठीक है, दो तरह का अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, एक पर्सनल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है। तो आपको जो अकाउंट बनाना है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस अकाउंट। तो आपको सबसे पहले बिजनेस अकाउंट बना लेना है। ठीक है, बना लेना आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, सेकेंड स्टेप अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइज, मैं एक चीज बता दूं, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 30 दिन में आपका बिजनेस पूरा स्टेब्लिश हो जाएगा ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप इसको प्रॉपरली ढंग से कर लेते हो तो। ठीक है, जो चीज मतलब ऐसा लगेगा मुझे कि आपको नहीं समझ में आ रही हो, मैं यहाँ पर करके भी आपको बताऊंगा, तो नो वरी, जस्ट आप नोट डाउन करते रहो सारी चीजों को, ताकि आप कोई भी स्टेप भूल ना पाओ। ठीक है, सो जो सेकेंड स्टेप होगा गाइज, वो होगा प्लान 30 डेज योर कंटेंट। ठीक है, प्लान योर 30 डेज कंटेंट, मतलब 30 दिन का जो आपका कंटेंट है, 30 दिन आप जो डालने वाले हो, 30 डे कंटेंट इसको आप बोल सकते हो, 30 डेज कंटेंट कंटेंट। सो गाइस, जो आपका 30 डेज का कंटेंट है उसको आपको समझना है, ढूंढना है, और उसको एक अलग जगह सेव करके रख लेना है, या तो आप उसको डाउनलोड करके, बहुत सारे एक्सटेंशन है जिनसे आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फोटो हो, तो आप स्क्रीनशॉट सिंपली ले सकते हो, फिर उसको कट करके डाल सकते हो, और वीडियो हो तो उसका लिंक कॉपी करके save.net से उसको डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद एक पार्ट आता है यहाँ पर, इस जो चीज़ है ये 30 डेज कंटेंट। ठीक है, तो आप कैसे करके 30 डेज का कंटेंट ढूंढोगे, ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हो, ये है वीडियो, आई थिंक एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसेंटली वो वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, तो वो काफी अच्छी वीडियो है, जहां से आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ये वाली है, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए करके वीडियो का नाम है, 1 मंथ पहले मैंने बनाई थी, और ये वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप करके सर्च कर सकते हो। बाय द वे, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा जो इंस्टाग्राम है वो एक एंटरप्रेन्योर बेस्ड बिजनेस बेस्ड इंस्टाग्राम है, अकाउंट है, तो यहाँ से आपको भी वही चीजें सर्च करनी है। ठीक है, एक सेकेंड, सो मेरा भी एंटरप्रेन्योर वाला अकाउंट है, तो मैं भी ऐसे ही रिलेटेड मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योर, सीईओ, बिजनेस, स्टार्टअप, यही सब कीवर्ड्स पे सर्च करूंगा रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा जो वायरल पोस्ट है उनको मैं पिक करूंगा, जैसे कि ये है 8 स्टेप टू सक्सेसफुल एडवर्टाइज। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, मैं पिक करूंगा और इस चीज को मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगा। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट में क्या है, रिसर्च योर प्रोडक्ट, रिसर्च द कॉम्पिटिशन, रिसर्च योर ऑडियंस, ऑप्टिमाइज योर पोस्टिंग, टारगेट योर ब्रांड, शोकेस योर स्टाइल। ठीक है, तो यही चीज की मैं अभी अभी बात कर रहा हूँ, रिसर्च योर प्रोडक्ट, रिसर्च योर कॉम्पिटिशन, वही चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ मान लो ये
ये चीज को आपको पिक करना है, और ऐसे ही करके आपको 30 दिन का कंटेंट पिक करना है। अगर आप एक दिन में 3 पोस्ट डालते हो, ठीक है, एक दिन में 3 पोस्ट डालते हो तो 30 डेज, मतलब आपको टोटल कितने चाहिए, 3 3 3 3 9 90 पोस्ट आपको चाहिए, ठीक है। 90 पोस्ट आपको फाइंड करना है जिसमें आपके इमेजेस भी होंगे और वीडियो भी होंगे। तो ये आपको कैसे करना है, ये आपको पूरा रिसर्च करके करना है। रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस गाइस। हम बहुत जल्दी में रहते हैं, और वहां रिसर्च नहीं करते हैं। तो फर्स्ट डे जो आपको करना है, आपको पहले अपना अकाउंट बना लेना है। आप चाहो तो उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, या तो दूसरे दिन, पहले दिन ये, और फिर दूसरे से लेके 7वें दिन तक आपको क्रिएट करना है ये चीज, दैट इज कॉल्ड पोस्ट सर्चिंग गेम, ठीक है। आपको पूरे 90 पोस्ट अपने को ढूंढने हैं आपको, ठीक है। उसके पहले कुछ भी नहीं करना है, आपको 90 पोस्ट ढूंढने गए, जैसे कि एक इंस्टाग्राम बिजनेस जैसे बिल्ड होता है, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। तो गाइज आपको वो 2 से 7वें दिन, दूसरे से 7वें दिन आपको पूरा रिसर्च करना है मार्केट में, 90 पोस्ट आपकी उठानी है मार्केट से, ठीक है। जो अब थर्ड स्टेप है गाइज, उसकी हम बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर थर्ड, जो थर्ड स्टेप है गाइज, वो ये है कि गाइज जो आपको 8वें से लेके 14 या 15वें दिन तक, ठीक है, 8वें दिन से लेके 14 या 15वें दिन तक आपको सेम सिमिलर अकाउंट्स को फाइंड करने, ठीक है। ये एक मोस्ट वे भी है अपने अकाउंट को ग्रो करने का, अपने पूरे बिजनेस को स्टेब्लिश करने का, ठीक है। तो जो तीसरा स्टेप है वो यही है कि आपको सिमिलर अकाउंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। एक क्या अभी मैंने बताया सेकेंड स्टेप में, सिमिलर बड़े अकाउंट ढूंढने हैं जो बहुत अच्छा पोस्ट देते हैं, जो बहुत ज्यादा इंगेजमेंट देते हैं, वहां से आपको पोस्ट उठानी है। लेकिन जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको सिमिलर अकाउंट ढूंढने हैं, मतलब जो आपके लेवल पे हैं, जो अभी स्टार्ट हुए हैं, जिसमें 1000 से कम फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो वहां से क्या करना है, उनसे बात करना है और उनको भी हेल्प करनी है और उनसे हेल्प लेना है, दैट इज कॉल्ड कोलैब, ठीक है। आपको बोलना है आप हमारे पोस्ट को अपने स्टोरी में शेयर कीजिए, हम आपके पोस्ट को अपने स्टोरी में शेयर करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, प्रॉब्ली ये होता है कि लोग आपके जब लेवल में हो तो वो आपसे कोलैब कर लेते हैं, लेकिन वो अगर बहुत ज्यादा ऊपर हो और आप उनसे कोलैब करने जाओगे तो मोस्ट ऑफ टाइम वो आपको मना कर देते हैं। तो यहाँ एक फायदा होता है कि वो आप जल्दी कोलैब कर लेंगे और आपकी जो ग्रोथ है उनके साथ साथ होगी, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे की सीढ़ी बन सकते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेप है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और यहाँ आपको अच्छे से अच्छा जो भी आपका मिलेगा अकाउंट, सिमिलर अकाउंट, उसको फाइंड करके उसके लिंक्स को रख लेना है और उनके जो ऑनर्स हैं उनसे बात कर लेनी है। तो थर्ड स्टेप आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, जो एक इंगेजमेंट पोस्ट, ठीक है, एक इंगेजमेंट स्टेटमेंट बोल सकता हूँ मैं इसको, और एक इंगेजमेंट लेवल भी बोल सकता हूँ मैं इसको, कि आपको करना ये है कि आपको उन अकाउंट्स को फॉलो कर लेना है जिनसे आपने जिन पे आपने रिसर्च की थी और जिनसे आपने कोलैब किया था, सेम अकाउंट्स, ठीक है। मोस्ट जो कोलैब वाले हैं उनको जरूरी नहीं भी है, लेकिन जो आपके, ठीक है, जो आपके अप लेवल में है, अप लेवल में, उनको फॉलो कर लेना है। और क्या करना है, आपको अच्छे कमेंट्स करने हैं, अच्छे कमेंट्स और थोड़ा क्रिएटिव कमेंट्स उनपे करने हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इंगेजमेंट बिल्ड होती है। और आप एक चीज इसमें अच्छा कर सकते हो कि आप जो बड़े अकाउंट्स हैं उनका नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही वो पोस्ट डालेंगे तो आप उनमें जाके अपना क्या बोलते हैं, डाल सकते हो कमेंट। इससे क्या होता है, अगर देखना आप मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जब लोग जब शुरू में ही कमेंट डाल देते हैं तो देखना 3 4 जो कमेंट है वो ऊपर दिखती है और लोग उसमें आके लाइक लाइक करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा कमेंट बहुत जल्दी सबसे पहले डाल सकते हो, तो वो आपका जो कमेंट रहेगा वो अप जाएगा, ठीक है। अप जाएगा क्या होगा, लोग आएंगे आपके कमेंट को देखेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपका कमेंट उनको अच्छा लगता है तो मोस्ट ऑफ लोग ऐसे रहेंगे जो आपके प्रोफाइल पर विजिट करेंगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी लगेगी तो वो आपके प्रोफाइल को लाइक या फॉलो जरूर करेंगे। तो गाइज ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बहुत तेजी से बिल्ड करने का, और अगर आप इसको सही तरीके से करते तो 100% आप इसका रिजल्ट देखोगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर जहां मैंने इस चीज को डिटेल में बताया था, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। वीडियो इज हियर। हाँ, स्टेप अप योर इंस्टाग्राम बिजनेस ऑन $1000 पर मंथ, ये वो वीडियो है, यहां पर मैंने इस चीज को डीपली बताया, तो ये जाके आप देख सकते हो इस वीडियो को। सो गाइस जो आपका फिफ्थ स्टेप है गाइस, वो ऐसा है कुछ कि 22वें से लेके
22वें से लेके 26 दिन तक आपको फॉलो करना है अपना फिफ्थ स्टेप, ठीक है। और ये कुछ होगा 16 से लेके 21 दिन तक, ठीक है। मतलब 4 दिन, 5 दिन इसमें हुआ और 16 से 26, मतलब ये हो गया आपका, मतलब ये चीज जो है पांचवा स्टेप, इसको आपको रेगुलर लेके चलना है। लेकिन आपको स्टार्ट करना है 22वें दिन से लेके 26वें दिन से, बहुत ही फास्टली, ठीक है। तो आपके पहले तीन काम हो चुके हैं, आपने पोस्ट रिसर्च कर लिया, आपने एंगेजमेंट बिल्ड कर लिया है, और अब आपको करना है 22वें से 26वें दिन तक कंटिन्यू पोस्टिंग। यस गाइस, तीन पोस्ट अ डे विथ वन वीडियो, विथ वन वीडियो। तो गाइस क्या होता है, वीडियो जो होती है गाइस वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंगेजिंग होती है, और जब आपने रिसर्च करके वीडियो को निकाला है, इट्स मीन कि वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है, उस पर एंगेजमेंट अच्छा है, तो जब आप वो वीडियो डालोगे अपने फीड में, तो चांस यही है कि आपकी वीडियो अप जाएगी। जो आपको पता है जो हैशटैग होते हैं उसमें टॉप 9 पोस्ट होते हैं, तो इस तरह आपकी जो पोस्ट है वो टॉप 9 पोस्ट में भी रैंक कर सकती है, जो बहुत ही ज्यादा ईजी है। क्योंकि गाइज हम यहाँ पर पहले ही जो वीडियोस या फोटोज ला रहे हैं वो मोस्ट इंगेजिंग है, और उसके बाद हम लोगों ने अपना जो इंगेजमेंट है वो अदर अकाउंट के साथ बिल्ड कर रखा है, और जो तीसरी चीज है कि हम लोगों ने कोलैब भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो तीन चीज है वो आपको हेल्प करेगी आपके पोस्ट को वायरल करने में। जब तीन पोस्ट और डे डालेंगे आप और एक वीडियो डालेंगे, तो आपको मोस्ट ऑफ टाइम बहुत ही ज्यादा इंगेजमेंट मिलने वाला है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है आपके पोस्ट को वायरल करने का। अब जो लास्ट स्टेप है अपना, जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहां से आपका पूरा बिजनेस बिल्ड हो जाता है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मोड स्टार्ट होगा और आपका जो बिजनेस है वो बिल्ड होते जाएगा। अपने जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको वॉच करना है, वॉच योर फॉलोअर्स स्काई रॉकेट, ठीक है गाइस। कैसे, अब देखो आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, उसमें आपको देखना है कि मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स किस टाइप के हैं, मतलब आपको अपने एनालिटिक्स को चेक करना है कि वो कब ऑन रहते हैं, कब ऑफ रहते हैं, क्या चीज वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कौन सी पोस्ट को आप वो ज्यादा सेव कर रहे हैं, ज्यादा शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको एनालिटिक्स से पता चलेंगे। और इस स्टेप के बाद आपका जो इंस्टाग्राम है वो बिल्ड होने लगेगा। तो यहाँ जो 6 स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एनालाइज योर ऑडियंस 27 डे टू 30 डेज, मतलब इस बीच में आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि आपका एनालिटिक जो है वो किस तरफ जा रहा है आपके पोस्टिंग करने के बाद, और हर चीज को मेंशन करना है। अगर आप इस पूरे जो टिप्स है, पूरे 6 के 6 टिप्स, 6 टिप्स यही है कि सातवां टिप्स यही है कि वहां आपका जो बिजनेस है वो बिल्ड होने लगेगा, ठीक है, अगर आप सही से ये सारे जो लास्ट 6 टिप्स है उनको फॉलो करेंगे। तो 6वें टिप्स में आपको बहुत ही जरूरी है एनालाइज करना ऑडियंस को, कि क्या चीज वो लाइक कर रहे हैं, क्या चीज वो शेयर कर रहे हैं, क्या चीज वो सेव कर रहे हैं बाद में देखने के लिए। तो ये पूरी जो चीज है वो आपको एनालिटिक्स से पता चलेंगे, और जब आप ये सातों जो टिप्स हैं अगर अच्छे स्टेप्स है, अगर ये अच्छे से आप फॉलो करेंगे सातों के सातों स्टेप्स को, तो 100% आपका इंस्टाग्राम 1 महीने बाद बूम पे बिल्ड होगा। बिलीव मी, करके देखो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको करके देखा है। अब बहुत जल्दी मैं बहुत सारे और इंस्टाग्राम अपने अकाउंट रिवील करूंगा जिनमें मैं काम कर रहा हूँ। काफी अच्छा यूजफुल है, और काफी अच्छा आपका ब्रांड भी ग्रो होता है, आपका बिजनेस भी ग्रो होता है, और आपकी अर्निंग तो होती ही होती है। तो गाइज गो एंड फॉलो, ये देखने के लिए नहीं है वीडियो, मैं बार बार बोलता हूँ गो एंड फॉलो, एंड प्लीज अगर कहीं थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक अच्छा सा कमेंट देना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।